नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर्म लेचन और मैं हूँ आपके साथ छवि फांगना। इस वक्त हम जयपुर जंक्शन पर हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा जारी कर दिया था, जिसके आदेश जारी कर दिए थे और वो अभी लागू हो चुका है, इसी के तहत उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी कि जो लोग यहाँ से पलायन करना चाहते हैं या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स नेगेटिव दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि ये आरटीपीसीआर क्या है, ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट इसलिए है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो लोग जा रहे हैं उन्हें रिपोर्ट्स दिखानी ज़रूरी है, ताकि वो किसी दूसरी जगह पे जंक्शन पे जाते हैं तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, ये इसलिए लागू की गई है आरटीपीसीआर की कि दिखाएँ कि ये किस प्रकार से जो ये कोरोना के नेगेटिव हैं, पॉजिटिव मरीज़ नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी के तहत सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की थी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स की। तो इसी के तहत हम ग्राउंड पर हैं जयपुर जंक्शन पे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोग यहां पर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो है, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी उसकी पालना कर रहे हैं। हम लोग आने, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पूछते हैं, अगर उन लोगों के पास नहीं होती है तो हम लोग उसको करते हैं आरटीपीसीआर। यस, लेकिन हर जगह सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कराए बिना आप जा नहीं सकते, तो क्या लगता है आपको? लोगों में भी जागरूकता नहीं है इसके लिए, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। हम लोगों को पकड़ के और जो यहाँ पे जीआरपीएफ वाले हैं, रेलवे के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो लोग भी हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है अभी। उनको लगता है कि अभी नहीं है कुछ भी, कुछ लोग करके भी आ रहे हैं, काफ़ी लोगों का ये भी है वो लोग करके आ रहे हैं आरटीपीसीआर। हमारे यहाँ पे टीम शिफ्टिंग में आती है, अभी हम इवनिंग की शिफ्ट में दूसरी टीम आई है। सुबह से आप यहाँ पर बैठे हैं कि लोगों की जांच कर रहे हैं, जो लोग करा के नहीं आए आरटीपीसीआर की, तो कितने केस आपको ऐसे देखने को मिले हैं कि जिन लोगों ने आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स नहीं करी? पहले की तुलना में तो बहुत सारे लोग करके आने लग गए, अब कम लोग आ रहे हैं, या तो वो लोग मध्यम मीडियम फैमिली से हैं, जो लोग, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों का है तो उनकी हम कर रहे हैं, बाकी लोग करके भी जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर मैंने पूछा था तो करके भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं, जो नहीं करके जा रहे हैं उनके हम कर रहे हैं। आरटीपीसीआर की जांच कराई क्या अपने रिपोर्ट? बिल्कुल जी, हाँ, मेरी नेगेटिव है, अभी यहाँ नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है अभी आपके पास? मेरे पास वो है, मेरे हॉस्टल रह गई, वो हॉस्टल रह गई। तो फिर आपके पास उसका क्या पुख्ता सबूत है? किसका? आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कराई आपने? पुख्ता सबूत अब मैं यहाँ लाया नहीं हूँ, नहीं तो आपको दिखा देता है। आपके पास मैसेज तो आया होगा? मैसेज तो मेरे नंबर नहीं दिए थे, मैंने घर के दिए थे। आपके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट? वही रह गई हॉस्टल में। हॉस्टल में रह गई। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो सरकार ने जारी की थी गाइडलाइन, कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स के बिना, उनकी जांच के बिना, नेगेटिव रिपोर्ट्स के बिना लोग पलायन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूदा मैम, आपके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है क्या? आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है क्या आपके पास? यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है आपके पास जाँच की? जांच की रिपोर्ट जांच करवा के ही आए हैं। जांच करवा के आए हैं, किस प्रकार से आपने जांच करवाई है? सैंपल लेते हैं अपने गले के थ्रू जी, उससे सैंपल लेकर वो पीसीआर की जांच करते हैं। जांच करवाई आपने, फिर उसके पुख्ता सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो मोबाइल में आता है ना जी, मोबाइल में है आपके पास? मेरे वाले दूसरे वाले में है। अच्छा, ठीक है। आरटीपीसीआर की जांच करवाई है आपने? नहीं जी, नहीं करवाई। तो आपकी ट्रेन बुकिंग हो गई? नहीं, ट्रेन बुकिंग नहीं हुई है। ट्रेन बुकिंग वो तो करवा हो गई। तो कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 4:10 पे आ जाएगी लगभग। 4:10 पे आ जाएगी। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है आपके पास? आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स है क्या? आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसके उसके तहत ही आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है, है आपके पास? हाँ। किस प्रकार से आपने जाँच करवाई है, क्या थे पूरे इंतजाम? किस प्रकार से आपने जाँच करवाई है, क्या इंतजाम थे? जाँच करवाई थी वहाँ पे, आपने करवाई है आरटीपीसीआर जी? ठीक है। हाँ, कैसे आए आपके, क्या क्या, किस तहत, पूरी प्रोसेस क्या था उसकी जांच की? जांच के ठीक थे। नेगेटिव रिपोर्ट्स है? हाँ जी। कहाँ है आपकी रिपोर्ट? रिपोर्ट घर पे है। घर पे, तो बिना रिपोर्ट के आप कैसे जा सकते हैं क्या? राज्य सरकार ने, सरकार ने ये कहा है कि आप बिना रिपोर्ट के जा नहीं सकते। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है सर आपके पास? उनके आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स करी है आपने, जांच करवाई कोविड की? हाँ, कोविड की रही है। पूरा जो पुख्ता है आरटीपीसीआर के तहत, जो राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए, वो आपके पास पूरी पुख्ता है? पूरी पुख्ता, हमने वो टेस्ट किया, हमारे पास उसका मैसेज है।
ओके, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं पुणे से, जिस तरीके से ये राजस्थान के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से पुणे से आने की तरफ इनकी गाइडलाइंस थी, किस प्रकार से इन्होंने पलायन किया है। दूसरी तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है RT-PCR की, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इनसे बात करेंगे और किस प्रकार से जो इनकी जाँच की गई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप पुणे से आए हैं तो क्या, किस प्रकार से आप वहाँ से यहाँ तक आए? ट्रेन के माध्यम से आए हम। ट्रेन के माध्यम से आए, लेकिन उससे पहले सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि RT-PCR की रिपोर्ट्स नेगेटिव करवानी ज़रूरी है, जो कि जल्दी आ जाती है, क्योंकि हमारी जो टिकट थी उस पर कोई गाइडलाइन ही नहीं थी। जिस प्रकार की गाइडलाइन थी हम उसके अनुसार आए जी, लेकिन वो रेलवे स्टेशन की तरफ पर भी थी तो आप कर सकते थे वहाँ से। वहाँ पर कुछ RT-PCR का कुछ नहीं था? नहीं, रेलवे स्टेशन में तो हमें टिकट ही के लिए बोला गया, हमने दिखा दी थी। वहाँ कहीं RT-PCR की जांच चल रही थी जहाँ पे राजस्थान में जिस प्रकार से हो रही है? तो नहीं, ओनली टिकट दे के एंट्री मिल रही थी हमें। ऑन रिकॉर्ड RT-PCR की जांच कराई आपने? हमने हॉस्पिटल में कराई थी वहाँ पे। यहाँ पे बस स्टैंड पे RT-PCR की जांच हो रही है, आपने कराई है? नहीं नहीं कराई। आपने करवाई? नहीं कराई। आपने RT-PCR की जांच कराई है? RT-PCR की आपने जांच कराई कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट? नहीं कराई। सर आपने करवाई है? नहीं अभी नहीं। RT-PCR की जांच कराई है सर आपने? नहीं। RT-PCR की जांच कराई है आपने? RT-PCR की जांच कराई है? हाँ। की जांच RT-PCR की जांच करवाई क्या आपने? नहीं करवाई। सर आपने RT-PCR की जांच करवाई है? बस स्टैंड पे RT-PCR की जांच हो रही है तो आपने करवाई है? नहीं मैम। RT-PCR की जांच बिना आप जा रहे हैं? RT-PCR की जांच करवाई है? सब चीज़ की जांच है मैम। जांच करवाइए, किस प्रकार से, क्या प्रोसेस रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा, मैं किसी और से बात कर लूँगा। RT-PCR की जांच करवाई आपने? क्या प्रोसेस रहा है पूरा? मैम प्रोसेस ये था कि उसमें मतलब टेस्ट कराने का था। RT-PCR की आपने जांच करवाई है? RT-PCR की आपने जांच करवाई है? कोरोना टेस्ट। RT-PCR की आपने जांच करवाई है? आप जब पलायन कर रहे हो तो उस हिसाब से किस प्रकार से आपने जांच करवाई है? मैं छुट्टी जा रहा हूँ मैम, पलायन नहीं कर रहा। इसको क्लोज अप रखना है, ठीक है? लेते रहो लेते रहो, पूछो। RT-PCR की जांच करवाई है आपने? मैं टेस्ट करवाया यहाँ पे, यहीं बस अड्डे पे। अच्छा। आज रिपोर्ट, आज मैसेज आया है। अच्छा। नहीं करवाई? नहीं करवाई। कैसा पूरा प्रोसेस रहा, किस तरीके से जांच की जा रही है? वो तो मैम अभी तो पता नहीं है कैसे जांच, कहाँ कराए, घर जा रहे। आपने करवाई RT-PCR की जांच? नहीं नहीं करवाई। आप बिना RT-PCR की जांच के आप जा रहे हैं? RT-PCR की जांच करवाई है आपने? RT-PCR की जांच करवाई है क्या आपने? नहीं अब हमें पता ही नहीं है, हमें स्कूल से आज ही छुट्टी मिली, अब कैसे कर लेते हैं हम? तो दो दिन बाद बताते हैं वो, हाथों हाथ बता। नो जी नहीं। RT-PCR की आपने जांच करवाई है? मतलब कोविड की जो रिपोर्ट है आपकी नेगेटिव आई है तो आप जाने से पहले आपने रिपोर्ट की जांच करवाई है बस स्टैंड के बाहर? नहीं मैं तो सीधी आ गई। आपने करवाई है? मेडिकल स्टूडेंट है तो आप
उधर ही काम करते हैं ये सी हॉस्पिटल में। लेकिन ये भी पूरा प्रोसेस है। आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको कोविड से डर लगता है क्या कि कोरोना सच में है, किस प्रकार से हो रहा है? कोरोना तो सबको ही लगता है बेटा। क्या लगता है आपको, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए पूरा? डर लगता है, जांच भी करवाते हैं हम, हमारे शेड्यूल होता है 6-6 महीने में जांच भी होती है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो भी पलायन करेगा उसको आरटीपीसीआर की जांच करवानी जरूरी है। हाँ बिल्कुल करवाई मैडम। किस प्रकार की चले, लेबर आदमी को क्या पता कि आरटीपीसीआर जांच क्या होती है? ना वो तो ऐसे ही बोल दिया मैं आपको, लेकिन लेबर आदमी को जो हथौड़ा दिन भर तोड़ता है उसको क्या मतलब आरटीपीसीआर जांच क्या होती है? गाइडलाइन सरकार जारी की, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो भी पलायन कर रहा है वो गेट पे, बस स्टैंड के गेट पे हो चाहे, करेगा तो क्या करेगा, यहाँ भूखा मरेगा क्या? आप ही बताइए, भूखा मरेगा क्या यहाँ? सरकार ने पूरी गाइडलाइंस जारी करी है कि यहाँ पर टिकट भी ब्लैकमेल हो रही है। अब इसके बाद क्या कहें आपको, परेशानी है, चार जगह काउंटर में चल गए, टिकट नहीं मिल रही है हमें टनक डिपो की। हाँ और उससे ज़्यादा परेशानी आपको क्या बताएं मैडम, बस बाकी की तो यही है, बैठे हैं। सर कोरोना को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि आरटीपीसीआर के रिपोर्ट्स के बिना लोग जा नहीं सकते, पलायन नहीं कर सकते। हाँ देखिए, जैसा राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनके तहत ये है कि दो तरीके से आरटीपीसीआर जो इंटरस्टेट ट्रैवलिंग पर है वो चेक होगा। पहला होगा रेलवेज़ के थ्रू, जो पैसेंजर रेलवेज़ के थ्रू मूव कर रहे हैं उनके की जिम्मेदारी रेलवेज़ को दी गई है। साथ ही जो ऑन रोड कर रहे हैं उनके लिए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे चेक पोस्ट लगाई गई हैं और आरटीपीसीआर बॉर्डर चेक पोस्ट पर चेक होगी। लेकिन बस स्टैंड के हमने यहाँ नीचे पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बाहर गेट पर आरटीपीसीआर की चेक हो रही है। नहीं, यहाँ रैंडम सैंपलिंग हो रही है आरटीपीसीआर का, जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना कंसर्न है। उन्होंने वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है, वो आरटीपीसीआर की रैंडम सैंपलिंग हो रही है। आरटीपीसीआर ऑन रोड आने वालों का आरटीपीसीआर चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो स्टेट के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर बस स्टैंड पे हो रही है? जी। कहाँ पर हो रही है? आउटगेट के ऊपर आप देखेंगे तो रैंडम सैंपलिंग हो रही है और चिकित्सा विभाग की टीमें 24/7 अभी परसों से तो उन्होंने 24/7 और एक महीने से हो रही है, जिसमें सेपरेट रिपोर्टिंग आ रही है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की। लेकिन सर अभी वीडियो जर्नलिस्ट ने, हमने पूरा पुख्ता जाँच करी, यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करी, नीचे कहीं भी आरटीपीसीआर की जाँच नहीं है। जी आप जाइए, आउटगेट के ऊपर एक गुमटी बनी हुई है, उसके अंदर आरटीपीसीआर की जांच हो रही है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ और आप चाहें तो नीचे जाके चेक भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो मेरी बात का क्रॉस वेरिफिकेशन आप सीएमएचओ से भी ले सकते हैं। जी, नीचे किस प्रकार से पूरी जाँच की जा रही है? वो सीएमएचओ के डिपेंड है, जो उनका प्रोसीजर है सीएमएचओ उसको गवर्न कर रहे हैं और सीएमएचओ की टीम लगी हुई है, तो वो प्रोसीजर उन पर डिपेंड करता है। तो कैसे आप लोगों के द्वारा जो पलायन किया जा रहा है, कैसे आप जागरूक करें उनको कि पूरी जो जाँच करके आप यहाँ से जाएं? देखिए, आप देखेंगे कि मेरे तीनों गेट्स हैं बस स्टैंड के, उन तीनों के ऊपर नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमने हर 15 से 20 मिनट के अंदर अनाउंसमेंट सिस्टम के ऊपर हम नो मास्क के लिए अवेयर कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल के लिए अवेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ सिंधीकैम थाना जो है, सिंधीकैम थाने के लोग भी यहाँ पर सिविल के अंदर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। साथ ही महामारी एक्ट के अंदर उनके द्वारा और SDM जयपुर के द्वारा भी चालान किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हमारी हर बस के अंदर अब सिर्फ 50% तक क्षमता अलाउड है, तो कंडक्टर को भी हमारे CMD साहब द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी बस के अंदर बिना मास्क के नहीं मिलेगा, और यदि कोई बिना मास्क के रहता है या बार बार उसको चेतावनी देने पर भी वो मास्क नहीं पहनता है तो उसको बस से यात्रा से वंचित कर दिया जाए। बसों का पूरा सैनिटाइजेशन, उसके लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए, हमारे 15 तारीख को ही निर्देश जारी हो चुके हैं, सिंधीकैम बस स्टैंड या सारे बस स्टैंड्स का तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे, बाकी 15 तारीख से ही हमारे संपूर्ण राजस्थान के अंदर सैनिटाइजेशन को लेकर स्पेशल
स्पेशल ऑर्डर जारी हो चुका है जिसके अंदर जो भी बस हमारी वर्कशॉप से निकलेगी, मतलब हमारा जो सिस्टम है, हमारी बस पहले वर्कशॉप से निकलती है उसके बाद में बस स्टैंड पे आती है, बस स्टैंड से नहीं चलती है। तो वर्कशॉप से जो भी बस हमारी निकलेगी वो सैनिटाइज होने के बाद ही उसकी रिपोर्ट होगी, उसके बाद में ड्राइवर जब ये कन्फर्म कर लेगा कि मेरी बस पूरी तरह सैनिटाइज हो चुकी है उसके बाद ही वो वर्कशॉप से निकालेगा। साथ ही मेरे खुद के द्वारा भी और संबंधित बस स्टैंडों के चीफ मैनेजर्स के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए कि बाय द वे किसी भी कारण से कोई एक बस अगर सैनिटाइज होने से रह जाती है इमरजेंसी में तो उसके लिए वो कमरा नंबर 14 में ड्राइवर संपर्क करेगा और हमारे पास जो सैनिटाइजिंग टीम है वो उस बस को दोबारा सैनिटाइज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हैं जयपुर के, जहां पर यहां देख सकते हैं कि पीछे ये आप देखेंगे यहां पे आरटीपीसीआर की जांच की जाती है, जहां पर लोग जो है पलायन करने से पहले यहां पर अपनी जो कोविड की रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव वो कराने के लिए यहां पर आरटीपीसीआर की चेकिंग होती है। जो राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स के अनुसार ही आप फिर बाहर आ या जा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ लोगों से हमने बात करी, आपको हमने अभी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के द्वारा दिखाया कि जो लोग हैं आम नागरिक हैं वही जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो कितने लोगों से हमने बातचीत करी ग्राउंड पे रह के, मरुधर बुलेटिन हकीकत दिखा रहा है कि किस प्रकार लोगों ने आरटीपीसीआर की जांच ही नहीं करी, या यहां तक कि लोगों को यही तक नहीं पता कि आरटीपीसीआर आखिर क्या है, आरटीपीसीआर की जांच क्या है, उन्हें बस ये लगता है कि आरटीपीसीआर की जांच के बिना हम लोग चले जाए। लेकिन अगर आम लोग ही सतर्कता नहीं बरतेंगे तो सरकार फिर कहां तक कितनी गाइडलाइंस जारी करेंगी, कितनी सतर्कता बरतेगी, कितनी सख्ती करेगी। सरकार ने जिस प्रकार से देख सकते हैं कि 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा जारी कर दिया है, उसके तहत भी देखा जाए तो यहां पर जो लोग पलायन कर रहे हैं उन लोगों को भी, आधे लोगों को इसकी कोई भी जो यहां पर देख सकते हैं कि अनुशासन तरीके से जो बस स्टैंड है उसके अधिकारी भी यहां पर आरटीपीसीआर की जाँच करवाने के लिए यहां पर रख रखा है, जाँच भी पूरी तरीके से की जा रही है, हमने जयपुर जंक्शन पर भी दिखाया था, लेकिन लोग ही सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। लोगों का एक एक कदम, आम नागरिक का ही कदम ये कोरोना की जो लहर है उसे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक ये लोग जागरूक होंगे, जागरूकता ही लोगों की बहुत ज़रूरी है। इसी को देखते हुए इजाज़त दीजिए मुझे, वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ छवि भागना, जयपुर।